हाय वेलकम टू दिस वीडियो इस वीडियो में हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरेथमेटिक यूज करेंगे टू प्रूव राशनैलिटी ऑफ नंबर्स तो हमने अभी तक नाइन्थ क्लास में पढ़ा था कि राशनल नंबर्स क्या होते हैं राशनल नंबर्स होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं राइट right? जैसे रूट टू रूट थ्री फाइव रूट सेवन राइट दीज काइंड ऑफ नंबर्स तो हमने अभी तक पढ़ा था कि राशनल नंबर्स होते हैं बट अब हम इन्हें प्रूव करेंगे कि ये एक्चुअली रैशनल ही है ठीक है सो फर्स्ट वी प्रूव दिस थ्योरम जो कि ये हमें बाद में हेल्प करेगी उन नंबर्स को रैशनल प्रूव करने में सो so ये थ्योरम क्या कहती है कि लेट पी बी ए प्राइम नंबर सो लेट से हमारा कोई प्राइम नंबर है नाउ इफ पी डिवाइड ए स्क्वेयर तो मतलब पी ए स्क्र को डिवाइड कर रही है मतलब ए इज अ मल्टीपल ऑफ पी ठीक है या फिर ए जो पी जो है परफेक्टली डिवाइड करती है ना रिमाइंडर बचता है इफ दिस इज द केस ए स्क्र को देन पी डिवाइड ए ठीक है तो हमें अगर बता दिया जाए कि p ए स्क्र को डिवाइड कर रहा है तो हम ये भी कह पाएंगे कि p a को भी डिवाइड करता है इज सम पॉजिटिव इंटीजर ठीक है सो दिस इज वर्ट दिस थियोरम सेज ठीक है नाउ इसको हम कैसे प्रूव करेंगे सो विल बी प्रूविंग इट यूजिंग फंडामेंटल

राइट right? सो so ये क्या हो गया नाउ दिस ऑल दिस नंबर्स आर प्राइम्स राइट सो नाउ वी नो दैट कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के हिसाब से जो एक्सप्रेशन होता है एक नंबर का जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं वो यूनिक होता है राइट right? सो so उसका यही एक एक्सप्रेशन है पॉसिबल ए स्क्वायर का सो so, अगर एस क्यों का यही एक्सप्रेशन पॉसिबल है तो एस क्योर के कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं तो एस क्योर के कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं पी वन पी टू पी थ्री ये सारे ही हैं क्योंकि इन सब का ही प्रोडक्ट है राइट right? और कोई होता तो वो भी इसमें ऐड हो जाता वो भी इसमें मल्टीप्लाई हो रहा होता राइट सो एस्टर के सारे फैक्टर्स हैं राइट बट हमें क्या हमें ये पता है हमने ये मानना है बेसिकली थ्योरम में कह रही है कि पी डिवाइड ए स्क्वायर तो मतलब पी इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर ठीक है so अगर p इसका फैक्टर है ए स्क्वेयर का तो ना हमें पता है कि फैक्टर्स तो जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो तो ए स्क्वेयर के यही है राइट right? तो so अगर हम बोल रहे हैं कि p प्राइम नंबर है और p इज अ फैक्टर ऑफ p हैज टू बी वन ऑफ दिस राइट तो पी इनमें से कोई है राइट right? तो अगर पी इनमें से ही कोई एक है तो उस केस में हम क्या कह सकते हैं ना ए हमें पता है ये सब है राइट right? ए तो हमें इट्स प्रोडक्ट ऑफ पी वन पी टू पी थ्री इन सोन टिल पी एन तो अगर पी इनमें से ही कोई एक है पी वन से लेकर पी एन में से कोई एक है देन इज अ मल्टीपल ऑफ पी ऑल्सो राइट ठीक है तो उस केस में क्या हो गया हमारा p डिवाइड a ठीक है तो ये हमें प्रूव करना था ठीक है सो so, हमने क्या प्रूव करा है कि अगर हमारा एक प्राइम नंबर है p अगर वो p a स्क्वेयर को डिवाइड करता है ठीक है देन इट ऑल्सो डिवाइड a ठीक है लेट्स गेट टू आर फर्स्ट थिंग कि हम रूट टू को इशनल प्रूव करते हैं तो अब कैसे करते हैं इसको इसको हम प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन करते हैं तो अब तुम्हें कैसे पता लगेगा इसको कैसे करना है तो तुम ऑरिजिनली इसको सोचना थोड़ा सा मुश्किल है तुम्हारे लिए बट तुम प्रूफ समझ सकते हो कि हम कैसे स्टेप बाय स्टेप समझ उसको कर रहे हैं तो यू कैन अंडरस्टैंड ऑल दी स्टेप्स बट हाँ तुम कह सकते हो तो कि मुझे कैसे पता लगे कि इसको प्रूफ बाय कॉन्ट्रोडिक्शन करना था दैट इज़ अ वैलिड क्वेश्चन आई थिंक वो धीरे धीरे जैसे जैसे तुम्हारी समझ बढ़ेगी वैसे वैसे तुम्हें पता लगता रहेंगे चीज़ें बट हम यहाँ पे इसको प्रूफ बाय से करना चाहते हैं तो प्रूफ बाय कॉन्ट्रीडिक्शन क्या होता है कि जो भी हमें प्रूफ करना होता है उसका उल्टा मज्यूम कर लेते हैं सो लेट्स से रूट टू इज रैशनल सो इट मीन्स दैट रैशनल नंबर क्या होता है इसको पी फॉर्म में लिखा जा सकता है वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स राइट सो लेट्स से हमारा जो रूट टू है इट्स इक्वल टू पी क्यू ठीक है नाउ लेट्स से कि अगर हमारे जो पी एंड क्यू जो नंबर हैं वो को प्राइम नहीं है उनमें कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं तो जैसे को प्राइम नहीं है मतलब लेट से पी और क्यू फोर बाय सिक्स है ठीक है तो इसको हम दोनों को टू से डिवाइड कर सकते हैं टू बाय थ्री बच जाएगा नाउ टू एंड थ्री आर को प्राइम राइट इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है सो लेट्स से पी और क्यू में कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं लेट्स कैंसिल दम आउट ठीक है सो एंड देन जो हमारा लास्ट में बचेगा लेट्स ए हमारी जो लास्ट में बचता है ए बी और वेयर ए एंड बी आर को प्राइम ठीक है तो लेट्स रिड्यूस पी बाई क्यू टू ए एंड बी सच दैट कि ए ए बी हमारा को प्राइम है ठीक है नाउ वी कैन राइट रूट टू एज ए बाई बी ठीक है क्योंकि पी एंड बी बाई क्यू को ही हमने ए बाई बी बनाया ठीक है उसके कॉमन फैक्टर्स कैंसिल करें so squaring both sides we have this right so this means 2 b square is equals to a square take so is equation, equation a square is a multiple of 2 take which means that two divides a right 2 परफेक्टली डिवाइड करेगा ए स्क्वेयर को क्योंकि ए स्क्वेयर हमारा साफ पता लग रहा है यहाँ पे मल्टीपल है टू का टू इंटू बी स्क्वेयर है राइट सो वी कैन से दैट दू डि ए स्क्वेयर ना यूजिंग द थ्योरम जो हमने अभी करी थी वी कैन से दैट दू डि ए राइट क्योंकि जब एक नंबर एक स्क्वेयर को एक प्राइम नंबर एक ए स्क्वेयर को करता है डिवाइड तो ए को भी करता है प्राइम नंबर राइट right? ये हमने पढ़ा था सो टू डिवाइड ए मतलब ए इज ए मल्टीपल ऑफ टू तो लेट से ए हमारा समू सी है ठीक है ए इज अ मल्टीपल ऑफ टू ये हमने यहाँ पे पता लग गया तो लेट से कुछ सी नंबर है और ए इज इक्वल टू सी है राइट हम ए को टू सी लिख सकते हैं बिकॉज हमें पता है कि ए तो टू का मल्टीपल है ही है ठीक है तो so, नाउ इस चीज को हम यहाँ सब्सिट्यूट कर देते हैं सो so, क्या बचेगा हमारा टू बी स्क्र इज इक्वल टू टू सी राइट तो क्या बन गया हमारा टू बी स्क्र इज इक्वल टू फोर सी स्क्वेयर फिर क्या बन गया हमारा बी स्क्र इज इक्वल टू टू सी स्क्वेयर ठीक है नाउ वी कैन सी दैट बी अ मल्टीपल ऑफ टू सो टू डि बी स्क्र राइट सो यूजिंग दैट थ्योरम वी कैन सी दैट टू डिवाइड्स बी राइट ये हम कह सकते हैं थ्योरम यूज करके जो हमने भी पढ़ी थी तो नाउ टू डि ए एंड बी ये दोनों हमारे पास आ गए तो अगर दोनों को टू डिवाइड कर रहा है तो टू इज अ कॉमन फैक्टर राइट बट हमने अभी जब ए और बी को ड्राइव करा था हमने तो इसी तरह से ड्राइव करा था ना कि को प्राइम है मतलब इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है और अब हमारा आ गया कि टू इज अ कॉमन फैक्टर तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गई कुछ हमारी प्रॉब्लम आ गई लॉजिकल राइट क्योंकि ये कॉन्ट्रडिक्शन आई है इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं गलती करी है राइट right? क्योंकि ये दोनों चीज़ें इकट्ठे एग्जिस्ट नहीं कर सकती कि टू कॉमन फैक्टर भी है एयरबी का और टू और ए आर बी को प्राइम भी है राइट सो देर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन सो देर फॉर हमने कहीं ना कहीं गलती करी है तो हमने गलती कहाँ करी है हमने गलती अपनी ओरिजिनल एजम्पन में करी है कि रूट टू आज रैशनल सो सो बाय कॉन्ट्रडिक्शन वी हैव प्रूव दैट कॉन्ट्रेक्शन कॉन्ट्राडिक्शन वी हैव प्रूव दैट रूट टू इज इशनल ठीक है ना लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन सो इसमें मैं क्या प्रूव करना है शो दैट फाइव माइनस थ्री इज़ इराशनल ठीक है तो इसको हम कैसे करेंगे ठीक है तो यहाँ पे हम जो तरीका करते हैं वो क्या करते हैं हम बेसिकली रूट थ्री को इराशनल तुम प्रूव कर सकते हो बट फ्रॉम फ्राम दंटेक्सट ऑफ एन सी आर टी वहाँ पर हम डिमांड नहीं करते कि तुम रूट थ्री को इैशनल प्रूव करो उसके बाद तुम इस पूरे को इराशनल प्रूव करो ठीक है तो जनरल जो डिमांड है वो ये है कि हम इसमें मान लेते हैं कि रूट थ्री हमारा ज इशनल है तो जब हमें एक्सप्रेशन आ गया तो उस एक्सप्रेशन का जो रूट पार्ट है अंडर रूट प्राइम पार्ट है या अंडर रूट जो हमारा इैशनल हमें पता है उसको हम मान लेते हैं कि वो रैशनल हमें पता है नाउ वी जस्ट गो अबाउट प्रूविंग फाइव माइनस रूट थ्री जो है वो रैशनल है तो हम इसको सेम तरह से प्रूव करते हैं कि हम लेट्स ज्यूम कि ये रैशनल है ठीक है तो अगर ये रैशनल है तो इसको ए बाय फॉर्म में लिख सकते हैं ठीक है तो फाइव माइनस इसको यहां ले आते हैं फाइव माइनस ए बायल टू रूट थ्री नाउ फाइव इज अशनल नंबर ए बाय नंबर राइट सो रैशनल माइनस रैशनल इज इक्वल्स टू रैशनल राइट सो इट मीन्स रूट थ्री हमारा रैशनल नंबर है बट वी नो दैट रूट थ्री इज ए रैशनल नंबर राइट सो बाय कॉन्ट्रोडिक्शन से ठीक है क्योंकि रूट थ्री रैशनल नहीं है तो मतलब हमने कहीं गलती करी हमने गलती कहाँ करी है हमने गलती करी है इसको एज्यूम करने में कि ये रैशनल है ठीक है द सेकंड क्वेश्चन है प्रूव करना रूट फाइव इज रैशनल तो यहाँ पे सिर्फ रूट फाइव दिया हुआ तो इसको हम टिपिकल वो रूट टू वाला प्रोसेस फॉलो करेंगे क्या करेंगे लेट्स रिज्यूम कि रूट फाइव जो है हमारा रैशनल है तो इसको ए बाय बी मान लेते हैं इसमें कॉमन फैक्टर्स को कैंसिल कर देते हैं तो लेट्स से हमारा आर एस आ गया ठीक है तो वेर आर एंड एस आर को प्राइम ठीक है तो सिमिलर प्रोसेस यू स्क्र दो साइट फाइव एस स्क्स इक्वल्स टू आर स्क्र आ गया विच मीन्स दैट फाइव डिवाइड्स आर स्क्र सो इच मीन्स दैट बाई यूजिंग दैट थियर वी कैन से दैट फाइव डिवाइड्स आर राइट सो अगर फाइव डिवाइड्स आर है तो हम आर को ऐसे लिख सकते हैं कुछ फाइव पी राइट क्योंकि आर फाइव का मल्टीपल है तो लेट्स एज्यूम दैट दिस इज द केस तो इस इक्वेशन में आर इक्वल टू फाइव पी डाल देते हैं तो फाइव ए स्क्वेयर क्या आ जाएगा फाइव पी स्क्वेयर राइट तो फाइव ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव पी स्क्वेयर सो ए स्क्वेयर इज इक्वल टू फाइव पी स्क्वेयर सो दिस मीन्स फाइव डिवाइड्स ए स्क्वेयर एंड यूजिंग दैट थियोरम वी कैन से दैट फाइव डिवाइड्स एस नाउ फाइव डिवाइड्स सो so, दोनों में कॉमन फैक्टर है आर और एस में फाइव पर हमें पता है कि आर और डिस क्या है को प्राइम है सो देर इज़ अ कॉन्ट्रोडिक्शन राइट सो देर फोर आर ओरिजिनल एजम्पन दैट दिस इज रैशनल इज इन करेक्ट सो दिस इज इैशनल ठीक है सो so, ऐसे प्रूव ये भी हो जाएगा नाउ हमें ये प्रूव करना है कि ये रैशनल है सो so, अगेन ये एक्सप्रेशन फॉर्म में है तो इसमें हम एक्सप्रेशन फॉर्म में मान लेंगे कि ये रूट फाइव जो है रैशनल है सो वील टेक द होल थिंग एज सो अगेन द हमारा जो सोल्यूशन स्टार्ट होगा उसमें हम इसको मुके मान लेंगे और हम इसको प्रूफ बा कॉन्टिक्शन ही करेंगे सो लेट्स एज्यूम दैट दिस इज रैशनल सो इट कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म एंड बी तो इसमें हम पहले से ही ए और बी को इंटीजियर्स मान लेते हैं और को प्राइम भी मान लेते हैं ठीक है देन पहले हम बोलें कि कॉमन फैक्टर्स कैंसिल करें तो भी फर्स्ट ऑफ ऑल इजन कर लेते हैं कि को प्राइम है ठीक है नाव थ्री को यहाँ ले आते हैं टू रूट फाइव को यहाँ रख लेते हैं सो ए बाय बी माइनस थ्री रूट फाइव इज इक्वल टू ए बाय टू बी माइनस थ्री बाई टू राइट नाउ दिस इज रैशनल क्योंकि और भी इंटीजर्स हैं तो टू पी भी इंटीजर होगा और ये तो रैशनल है ही है ठीक है So, these two are rational, so rational minus rational is rational. So, therefore, root 5 is rational. Right? But we know that root 5 is irrational. So, therefore, our original, original assumption that this is rational was incorrect. So, therefore, by contradiction, you can write that 3 by 3 plus 2 root 5 is irrational. Okay? So that is it for this video. Thank you very much for watching. If you have any doubts, tumhare, you can ask me in the comment section. Bye-bye.